Hello everyone, welcome to the YouTube channel असम हाउस प्लान एंड कंस्ट्रक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देखिए, एक नॉर्मली ऐसा 30x40 का प्लान है, जिसमें कंसिस्ट करता है 3 BHK, 30x40 में 3 BHK विथ किचन, एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, एक हॉल के साथ 3 बेडरूम वाला एक प्लान है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑसम हाउस प्लान्स एंड कंस्ट्रक्शन को। आने वाले समय में इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। एंड तो देखिए, एक नॉर्मल प्लान यहाँ से लेके यहाँ तक कंस्ट्रक्शन एरिया आ जाएगा, ये बिल्टअप एरिया टोटल इतना, और यहाँ पे स्टेयरकेस है। तो यहाँ से एंट्रेंस है पार्किंग एरिया, 14x3x9 फीट का है पूरा कंप्लीट पार्किंग। फिर यहाँ से एंटर होते हैं हॉल, हॉल का साइज 10x3x15x9 फीट का हॉल रहेगा। जैसा यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं, इधर बैठने का सिटिंग पोजिशन, या फिर इस दरवाजे को यहाँ पे लेके इधर इधर सिटिंग रहेगा, इधर टीवी पोजिशन आ जाएगा। एंड सामने एंटर होते हैं ऐसा एक टॉयलेट रूम, यहाँ पे किचन 5x9x10 फीट का टोटल कितना किचन एरिया रहेगा, जो भी खाना पकाने का वो सब मटेरियल है यहाँ पे। और कॉमन टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पे जैसा टॉयलेट रूम, और यहाँ से एंटर होते हैं बेडरूम नंबर 1, यानी कि इसका साइज़ है 11x10 फीट का, काफ़ी इनफ साइज़, और एक मीडियम बेडरूम के जैसा अपना एरिया रहेगा। एंड इस वाले बेडरूम का साइज है ऐसा 11x9x6 इंच का, इस तरह से। और यहाँ पे शेल्व्स बना सकते हैं, एंड यहाँ पे जो है बेड आ जाएगा आप लोगों का बैठने के लिए, यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा। और इस वाले बेडरूम नंबर 3, यानी कि थोड़ा सा छोटा है मगर एडजस्ट कर सकते हैं आप, रूम भी ज़्यादा है, 11x8x6 इंच का, ऐसा 11 फीट है, ऐसा 8x6 इंच है, इसमें भी छोटा सा सिंगल बेड, या फिर आप बना सकते हैं चिल्ड्रन बेडरूम बना सकते हैं इसे। तो इस बेडरूम के लिए यहाँ पे शेल्फ आ जाएगा, यहाँ पे एक विंडो, 2 विंडो है, कॉर्नर बेडरूम है उसमें से 2 विंडो आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक वेंटिलेशन, इसमें 2 विंडोज आ जाएगा, एक आउटलेट के लिए जो, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं एक सिंगल विंडो लेके एक आउटलेट के लिए दरवाजा रहेगा। पैसेज यहाँ पे 3x3 इंच का इसलिए छोड़ा गया है ताकि यहाँ पे जो भी वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन हो जाए, ऊपर एक मंजिल भी बांध दे समझो, वहाँ पे आप लोगों को जगह मिल जाता है यहाँ जाने के लिए। और यहाँ पे ऑफसेट एरिया 2x3 इंच का ऑफसेट एरिया है इस तरह का। और 30x40 का ईस्ट फेस प्लान 9 जनवरी 2019 का, यहाँ पे वेल रहेगा इतना सा, ताकि वेल या फिर आप बोरवेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का आपका चॉइस है, या फिर उस पर टोटल निर्भर करेगा। तो ऐसा रहा ये, और एक चीज़ कॉलम पोजिशन कहाँ कहाँ पर आएंगे और कितना खर्चा हो सकता है इसे बनाने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, इसमें कॉलम्स तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 और 1 10, इधर क्या है 11 12 कॉलम आ जाएंगे यहाँ टोटल में, 12 कॉलम में पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इस तरह का इसका एक प्लान था, डिज़ाइन था, और 2 फीट का ऑफसेट यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह का। और एक चीज़ बनाने में कितना खर्चा हो सकता है वो मैं बताऊँगा, इसे बनाने के लिए आपको करीब करीब 12 लाख का खर्चा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, उस पर टोटल निर्भर करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, शुक्रिया।